तो ये देखिए हमारा चीज पराठा बन के हो गया तैयार। ये स्पेशली बच्चों के लिए है और बड़े तो खा ही सकते हैं। चीज पराठा बनाने के लिए हमने 250 ग्राम मैदा दिया है। आप आटा भी दे सकते हैं या आटा और मैदा दोनों दे सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून से कम नमक, 1 टीस्पून चीनी, 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। इसको मिला देंगे। इसको बढ़िया से मिलाने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक डो तैयार करेंगे पराठे के लिए। पराठे का डो लूज नहीं होना चाहिए, हल्का टाइट रहेगा तो चल जाएगा। चीज पराठा के लिए हमारा डो बन के तैयार हो गया है, तो हाथों पर 2-4 बूंद तेल लगाएंगे और डो को चारों तरफ से ग्रीसिंग कर देंगे और फिर इसको एक बार चला के और ढक के रख देते हैं। तब तक चलते हैं फिलिंग तैयार करने। तो देखिए हम लोग ये चीज लेके आए थे दिल्ली से कि जब दिल करेगा पिज्जा बनाने का तो गाँव में बनाएंगे, तो वही ये चीज है। इसको ग्रेट कर देते हैं, मोटे वाले से ग्रेट करेंगे। 250 ग्राम पराठे के लिए मैदा दिए हैं या आटा आप दे सकते हैं, उसके लिए 125-150 ग्राम चीज होना चाहिए। तो चीज में हम डालेंगे 1/2 टीस्पून ओरिगानो और 1/2 टीस्पून डालेंगे चिली फ्लेक्स। हल्का सा नमक डालेंगे क्योंकि हमने पराठे में नमक ऑलरेडी डाल रखा था, तो हल्का सा नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून के करीब, बस इतना ही डालेंगे। इसे मिक्स कर देते हैं, लगा देते हैं। फिलिंग में हम डालेंगे 1 छोटा सा प्याज और थोड़ा सा शिमला मिर्च को काट के डालेंगे, ज़्यादा नहीं। हमने बारीक बारीक शिमला मिर्च और प्याज को काट दिया है। आप चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। अगर ये बारीक बारीक काटेंगे तो हमारा पराठा नहीं फटेगा। प्याज शिमला मिर्च हम फिलिंग में डालेंगे तो थोड़ा फिलिंग खाने में भी मज़ा आएगा, खाने में थोड़ा क्रिस्पीनेस आ जाएगा अंदर से, क्रंचीनेस। इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च भी डाल देंगे, अगर बच्चा खा रहा हो तो ना डालें। चूल्हा जला देते हैं, तो नीचे थोड़ा भूसा डाल देते हैं ताकि नीचे से आग एकदम बना रहे। तो पत्ते भी रख दिए हैं, चूल्हा जला देते हैं। चूल्हा जल गया है, तवा रख देते हैं। तो जो हम मैदा गूंद रखे हैं उसको निकाल देते हैं इसमें से और फट्ठे पे थोड़ा सा मैदा डाल के इसका लोई काट देंगे। आप अपने हिसाब से लोई काटें, थोड़ा सा छोटा बड़ा पराठा बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम 6 लोई काट दिए हैं पराठे बनाने के लिए। इसको गोल करके हम रख देते हैं और थोड़ा सा मैदा इस पर छिड़क देंगे, इसको रखते जाएंगे। पेंदा हमारा बन गया है और इस पर हल्का हल्का हम तेल लगा के रख देंगे। अब इसमें से 1 लोई देंगे हम, अब फिलिंग भरेंगे। इस तरह से गोल करेंगे और फिर हम इसमें भरेंगे। इसका हाथों से दबा देंगे इस तरह से, और दबाने के बाद वैसे ही जैसे हम पराठा बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे इसको। इस तरह इसको हम सील कर देंगे और उसके बाद मैदा में इसको डुबाएंगे और हाथों से पतला भेजेंगे। इसको हल्के हाथों से भेजेंगे, इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है और इसी साइज से हमें बनाना है। तवा पे हल्का सा ग्रीस कर देते हैं, तो पराठे को हम डाल देते हैं। तो इसको भी हल्के हल्के हाथों से भेज देंगे इस तरह से, और इसे भी हम डालते जाएंगे। चारों तरफ ग्रीस कर देते हैं क्योंकि तवा बड़ा है, तो 2-3 पराठे हम इस पर डाल सकते हैं आराम से। तो हम पराठे से ही इसको ग्रीस कर देते हैं इस तरह से। मैं तो छोटा छोटा पराठा बना रहा हूँ, आप चाहें तो बड़ा पराठा ही बना सकते हैं। इसको घुमाते रहेंगे, आगे पीछे करते रहेंगे क्योंकि जो आँच है वो बराबर एक जगह नहीं लग रहा है, और एक तरफ से हम सेक देंगे या नीचे का हम करारा कर देंगे, उसके बाद हम पलटेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा जैसे कि 30 सेकंड एक तरफ से पका के फिर पलट सकते हैं।
आँच को ज़्यादा हम तेज नहीं जलाएंगे क्योंकि हमारा पराठा मोटा मोटा है, तो ये धीरे आँच पे ही बढ़िया से पकेगा। अब देख रहे होंगे हमारा चीज पराठा किस तरह से बढ़िया से फूला फूला बन रहा है। इसको बस आँच कमी पे सेकना है बढ़िया से। हमने चीज पराठा जो बनाया है वो मोटा मोटा बनाया है, तो आप इसको कम आँच पे बढ़िया से सेकें तो ही ये बढ़िया से फूलेगा आपका। तो देख सकते हैं सारा बढ़िया से, देखिए फूलता जा रहा है ये। इसी तरह से हम सारे चीज पराठे को बना लेंगे, तो अब सर्व करके आपको दिखाते हैं। सर्व करके दिखाते हैं इसको आपको। ये दोनों बढ़िया से पक चुका है। आप चाहें तो इस तरह से पतले पराठे भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। हमने कुछ को मोटा बनाया, कुछ को पतला बनाया है, तो इसे हम केचप के साथ सर्व कर रहे हैं। आपके पास अगर पिज्ज़ा सॉस हो तो पिज्ज़ा सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं इसको। यहीं पे थोड़ा सा हम सलाद के रूप में सेव दे देते हैं, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गया और ये बच्चे पिज्ज़ा खाने में बहुत मज़ा आता है बच्चों को। तो ये देखिए हमारा चीज़ पराठा बन के हो गया है तैयार। ये स्पेशली बच्चों के लिए है और बड़े तो खा ही सकते हैं। बच्चे बहुत पिज़्ज़ा बोलते हैं, तो घर पर आप इस तरह से चीज पराठा बना के बच्चों को खिला सकते हैं और साथ में सलाद उलाद कुछ डाल दें ताकि और भी हेल्दी हो जाए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। हमारा आईडी है दादाजी का ढाबा। और कौन कौन सी रेसिपी आप लोग के लिए बनानी है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताते रहें। आपका पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी।